हेलो ऑल ऑफ यू, आज हम टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, दैट इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। काफी सिंपल चैप्टर, अगर एग्जामिनेशन में इस चैप्टर से आ जाए तो वो आपका बोनस मार्क्स है, वो आपके बोनस मार्क्स है। काफी सिंपल है, हमको इस चैप्टर में ये देखना है कि भाई जनरल एंट्रीज जो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की होती है वो किस तरीके से फॉर्म करी जाती है। तो उसका मैं आपको एक कंसेप्ट अभी बताऊंगा, एक तरीका हम लोग अभी रिवाइज करेंगे, उससे आसानी से आप जनरल एंट्रीज फॉर्म कर लोगे। और क्या डिफरेंस होता है जो आपने अमल कमीशन चैप्टर में पढ़े, अमल कमीशन एब्जॉर्प्शन और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में होता है। उसमें वहां पे एक अमल कमीशन में दो कंपनी मिलकर एक न्यू कंपनी बनाती है, आपका एब्जॉर्प्शन एक एग्जिस्टिंग कंपनी दूसरी एग्जिस्टिंग कंपनी को परचेज करती है। एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में एक कंपनी न्यू का नाम के साथ वो न्यू कंपनी फॉर्म करती है, उस नाम के साथ वो बिजनेस करती है। लेकिन यहां पर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कोई न्यू कंपनी में नहीं जा रहे, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में कोई ऐसी कोई कंपनी है जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसका बहुत लॉस हो रहा है काफी सालों से, या उसको लगता है वहां पे कि उसकी जो एसेट्स बैलेंस शीट में एसेट साइड में जो उसकी एसेट लिखी वो ओवर वैल्यू कर रखी है। ओवर वैल्यू का मतलब ये होता है कि एक्चुअली उसकी मार्केट वैल्यू उतनी नहीं है जितनी वो बुक में लिखी हुई है। सो उसको ऐसा लगता है कि एसेट्स ओवर वैल्यू कर रखा है और काफी सारे लॉसेस है, तो मैं एक कंपनी को बंद नहीं करना चाहता हूं, मैं इसे क्या करना चाहता हूं, मैं इसे इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं। सो व्हाट आई विल डू कि जो भी मेरी एसेट्स ओवर वैल्यू कर रखे उसको मैं नॉर्मल जो मार्केट वैल्यू है, ओवर वैल्यू का मतलब बुक में ज्यादा वैल्यू लिखी हुई, तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू होना चाहिए जो मार्केट की जो है उस वैल्यू पे लेके आऊंगा, और जो भी लॉसेस है जो भी राइट ऑफ नहीं कर रखा मैंने, या कोई लॉसेस है या कोई ऐसे एक्सपेंसिस जो कि आपने राइट ऑफ नहीं रखे, फॉर एग्जाम्पल प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको हम लोग राइट ऑफ करेंगे। अब सोचने वाली बात है कि जब आप कोई एसेट्स है वो ओवर वैल्यू कर ही रखी तो आप उसकी वैल्यू को कम कर रहे हो, कोई एक्सपेंसेस है कोई लॉसेस है जो आपने राइट ऑफ नहीं कर रहे उसको आप राइट ऑफ कर रहे हो, तो ये बड़ी सिंपल तरीके से आपको जनरल एंट्री फॉर्म करने का इसका एक तरीका है। इससे आप कंसेप्ट को आपको यहां पर समझ लें कि बैलेंस शीट में मेरे एसेट साइड है, एसेट में वी नो दैट एसेट्स के डेबिट बैलेंस बैलेंस डेबिट बैलेंस होते हैं। अब अगर कोई चीज ओवर वैल्यू कर रखी, तो ओवर वैल्यू कर रखे तो आपने को उसको नॉर्मल वैल्यू पे लेके आना, ओवर वैल्यू कर रखे उसको कम करना है, और एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते उसको वैल्यू को कम करना तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू एसेट मैं करूंगा, एसेट अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख है मगर बुक में मैंने ओवर वैल्यू 10 लाख से उसको लिख रखा हो, मगर मार्केट में तो 4 लाख रुपए ना, बुक में कितने से लिखा हो मैंने उसको 10 लाख रुपए, तो मुझे 6 लाख रुपए उसकी वैल्यू को कम करना। तो मैंने क्या किया, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो हम एसेट को डिक्रीज इन एसेट हम लोग क्या करेंगे क्रेडिट, तो आपने यहां पे एसेट को क्या कर दी क्रेडिट करें। लेकिन इसको मेरे को एक अकाउंट में उसको कहां पे लेके जाओ, क्योंकि वी फॉलो डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा इफेक्ट तो अपने को यहां पे देना होगा ना, दूसरा इफेक्ट तो देना होगा, वो आप कहां पे लेके जाओ, दैट इज वी विल ट्रांसफर टू रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट। तो आपने क्या करें कि उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से बुलाओ या कैपिटल रिडक्शन के नाम से बुलाओ, उसको अलग अलग नाम से बुला सकते, लेकिन आपने जो एसेट की वैल्यू को कम करे तो उसको रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लेके गए। अब यहां पर ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है और डिस्काउंट इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये एक्सपेंसेस ये लॉसेस को मैं राइट ऑफ करूंगा, तो वी नो दैट कि इसके डेबिट बैलेंस होते, अब उसको मुझे क्रेडिट उसको राइट ऑफ कर तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो इन अकाउंट्स को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रीमियर एक्सपेंसेस अकाउंट, डिस्काउंट एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर, इन अकाउंट्स को मैं क्या करूंगा क्रेडिट, अगेन किस अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा कैपिटल रिडक्शन या उसको आप रिकंस्ट्रक्शन के नाम से बोलो कैपिटल रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट या कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को मैं डेबिट करूंगा। लेकिन अब आप सोचो कि मैं बार बार ये कह रहा हूं कि आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को या रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को, मैं एक ही टर्म यूज करता सपोज कैपिटल रिडक्शन, मैंने कहा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट पे मैं लेके जा रहा हूं, अब जो मैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लेके तो मैं कह रहा हूं डेबिट करो बार बार यही कह रहा हूं ना कि डेबिट करो एसेट अकाउंट को क्रेडिट करो, तो आप यही तो कर रहे हो। लेकिन जब आप कोई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में लेके जा रहे हो तो उसका जो बैलेंस आएगा वो तो डेबिट बैलेंस आ जाएगा ना, डेबिट बैलेंस आएगा तो फिर क्या करेंगे, डेबिट बैलेंस भी तो डेबिट बैलेंस आएगा, क्या वो क्या पीएनएल में लेके जाएंगे और लॉस है नहीं। अब इस चीज को आपने अच्छे से समझना, जो भी आप वो एक्चुअली आप एसेट की वैल्यू को कम कर रहे हो, आपका नुकसान है, एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हो कम कर रहे हो, और जो सारे नुकसान है जिसको आप राइट ऑफ कर रहे हो, लॉसेस है या कोई एक्सपेंसेस जिसको आपने राइट ऑफ नहीं करे उनको आप राइट ऑफ करो, तो मुझे कोई फायदे के अगेंस्ट में नुकसान को राइट ऑफ करना है। तो मैंने नुकसान की बात करा कि एसेट की वैल्यू को कम करो या आपका पीएनएल अकाउंट का लॉस है या आपकी कोई ऐसे एक्सपेंस जो राइट ऑफ नहीं उसको राइट ऑफ करो, तो मैं लॉसेस की बात करो, लेकिन फायदा कहां से, आप कहते हैं कि ये लॉसेस को कुछ फायदे के अगेंस्ट में राइट ऑफ कर रहे, तो अपन क्या करें कि अब हम फायदे की बात करते, तो फायदे की बात कैसे, मैं गया, याद रखना यू नो इट वेरी वेरी सिंपल, कि लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते, तो मैं लाइबिलिटी साइड में अपने बैलेंस शीट के देखता हूं, मैं वहां पर देखता हूं कि मेरे लोन है, कुछ क्रेडिटर्स है, कुछ डिबेंचर्स है, कुछ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल,
मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि देखो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं, मैं कंपनी लिक्विडेट करना भी नहीं चाहता, कि मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई कंपनी हमारी कंपनी को खरीद ले, ये नहीं चाहते, हम इसी कंपनी को इंटरनली रिकंस्ट्रक्ट करना चाहते, तो मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। कौन लोग की मदद चाहिए? जो लाइबिलिटी साइड में ये लोग दिग्गज लोग जो बैठे हुए, तो मैंने फॉर एग्जाम्पल जो लोन था उनको मैंने देखा फाइनेंशियल पोजिशन वैसी अच्छी ना, आप कुछ वे ऑफ कर दो, आप नहीं करोगे कंपनी कुछ दिन में खुद ही वैसे लिक्विडेट हो जाएगी तो फिर डूब जाएगा पैसा, तो उससे अगर कुछ वे ऑफ करते मेरा फायदा हो गया ना, लाइबिलिटी कम हो रही, क्रेडिटर्स बोले ठीक कुछ कम कर दो, डिबेंचर होल्डर बोले चलो कुछ कम कर दो, प्रेफरेंशियल कैपिटल बोले, इक्विटी शेयर कैपिटल ये बोले ठीक है हम कुछ रेडी है कम करने के लिए, अगर वो कम करते तो मेरी तो लाइबिलिटी साइड कम हो रही ना, तो लाइबिलिटी साइड कम हो तो फायदा है बेटा। सो वेरी सिंपल, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो व्हाट एंट्री आई विल पास एंट्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू, फिर से अभी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट क्यों करें, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी मैंने डेबिट किया, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट किसको मुझे क्रेडिट करना है, मैं इस फायदे को किसी को क्रेडिट करूंगा, तो किसे मैं क्रेडिट करूंगा, एक अकाउंट हम इसका नाम देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल एक बॉक्स मेरे सामने रखा हुआ और इस बॉक्स में मैंने सारे फायदे जमा कर दिया, कैसे फायदे जमा कर दिया, मैंने वो फायदे जो जमा करा कि लोन कुछ वे ऑफ कर दिया गया, क्रेडिटर्स कुछ वे ऑफ करा गया, और जो भी लाइबिलिटी डिबेंचर होल्डर प्रेफरेंशियल कैपिटल इक्विटी शेयर उन्होंने कुछ अपना अमाउंट कम कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी साइड कम हो रही तो मेरा फायदा हो रहा है, तो मैंने क्या किया उसको लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में मैं लेकर चले गए, तो फायदा कैपिटल रिडक्शन, मेरे सामने एक बॉक्स रखा, सारे फायदे मैंने उसमें जमा कर दिया। अभी फायदे में से जो जो नुकसान है मैं एक एडजस्ट कर रहा हूं, एसेट की वैल्यू ओवर वैल्यू कर रखे तो उसके एसेट की वैल्यू को कम करूंगा, तो डिक्रीज इन एसेट, तो एंट्री विल बी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेरा लॉस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है जो राइट ऑफ नहीं करा, डिस्काउंट इन इश्यू डिबेंचर जो राइट ऑफ नहीं करा उसको मैं राइट ऑफ करूंगा, तो उनके डेबिट बैलेंसेस है राइट ऑफ करूंगा, क्रेडिट करूंगा, आई विल पास एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट टू डिस्काउंट इन इश्यू डिबेंचर, इनको मैं राइट ऑफ करूं। तो मैंने पहले लाइबिलिटीज कम करके फायदे पूरे एक जगह जमा करा, उस जगह को मैं कहता हूं कैपिटल रिडक्शन, वो फायदे जो मैंने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जमा किया उसमें से मैं एक एक एसेट की जो वैल्यू कम करते जा रहा हूं, ये जो भी नुकसान हो रहा है मेरा वो नुकसान को मैं एडजस्ट कर रहा हूं फायदे से। अब आपने क्या करें, जब भी एंट्री फॉर्म करते कुछ भी रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करा, बहुत सिंपल होता है, आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट देता है और 10-12 नीचे एडजस्टमेंट देता है, आपको बहुत सिंपल है, और वो बोलता है कि एंट्रीज पास करो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन उसके बाद बैलेंस शीट बनाओ, तो उसके बाद जो बैलेंस शीट बनाने बोलता है उसमें मैं बात करता हूं। देखिए जब एंट्रीज पढ़ते यू जस्ट हैव टू रीड, आप जस्ट सिक्वेंस में वो एक एक पॉइंट पढ़ते जाना है और उसी सिक्वेंस में पॉइंट को पढ़ के एंट्री पास कर, बड़ा सिंपल है, कोई एंट्री रटना नहीं कुछ नहीं। जब हम एंट्री फॉर्म करते अपने को यार ख्याल रखना है कि क्या कम हो रहा है, लाइबिलिटी साइड कम हो रहा है तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, एसेट साइड कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू एसेट, आप जो लॉसेस या कोई एक्सपेंसेस जो आपने राइट ऑफ नहीं करा आप उसको राइट ऑफ कर रहे हो तो उसके डेबिट बैलेंस तो उसको आप क्या करोगे क्रेडिट, तो आपके एंट्री पास करोगे आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट, आप एंट्री पास करोगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू प्रीमियर एक्सपेंसेस अकाउंट टू डिस्काउंट इन इश्यू डिबेंचर, आप उसको क्रेडिट करेंगे। ओके, सिंपल सी चीज, तो आपने ये देखना कि आपका क्या कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रहा है लाइबिलिटी को डेबिट करना और कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट, अगर आपके एसेट साइड में कोई आइटम लिखकर वो कम हो रहे तो उसके डेबिट बैलेंस तो उसको क्रेडिट करना और कैपिटल रिडक्शन को डेबिट। अब आपने सिंपल एक एक ट्रांजेक्शन पढ़ते जाना और एंट्रीज इस तरीके से पास करते जाना और बहुत सिंपल चैप्टर है। अब क्या होगा, तो अब अपन इस पे आते हो, अपने को क्वेश्चन कैसे करना है कि आपने क्वेश्चन रीड करे उसके नीचे आपको बैलेंस शीट देता 10-12 आइटम देता है, तो 10-12 आइटम जो एडजस्टमेंट है एक एक रीड करो और उसको पढ़ के इंटरप्रेट करके एंट्री पास करो। अब एक क्वेश्चन अपन करने वाले आरटीपी का। अब क्या होता है कि कैपिटल रिडक्शन अकाउंट तो इसको कैपिटल रिडक्शन के नाम से बोलते हैं, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट के नाम से बोलते हैं, ये रीऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी उसको बुलाते हैं। अब उसमें जो बैलेंस आखिरी में आ गया वो बैलेंस मेरा फायदा था 50 लाख, और याद रखना जितना कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपने फायदा ट्रांसफर कर रहे लाइबिलिटीज को कम करके उतना ही मैक्सिमम ऑफ आप वो लॉसेस को उसमें से एडजस्ट कर सकते हो। कैपिटल रिडक्शन में जो बैलेंस आपका जो लाइबिलिटी साइड जितने से कम करे मैक्सिमम एसेट साइड को उतने से ही कम कर सकते हो और या उससे कम लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो कैपिटल रिडक्शन में सपोज बैलेंस आ गया आपका, ठीक है, अब बैलेंस जो भी कैपिटल रिडक्शन आखिरी में आया, अब वो अगर सपोज मेरा 50 लाख का फायदा हुआ था, मैंने लाइबिलिटीज 50 लाख से कम किया, एग्जांपल एसेट मैंने 40 लाख रुपए से कम किया, तो मेरा तो 10 लाख रुपए का क्या हो गया, फायदा हो गया आखिर में 10 लाख रुपए फायदा हो गया। अब मैंने 40 लाख रुपए का फायदा 50 लाख रुपए के मेरे कैपिटल रिडक्शन को क्रेडिट किया था, जो फायदा हुआ था लाइबिलिटी के एसेट को मैंने 40 लाख से कम किया, तो भी 10 लाख मेरे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बचा है।
अब जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो बचा है मेरे पास, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो 10 लाख रुपए बचा है, वो एक प्रॉफिट ही हो गया ना इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस में। आपने वो 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बच गया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्योंकि आपने लाइबिलिटी 50 से कम करे, है ना, लाइबिलिटी 50 से कम करे और एसेट 40 से, तो आपकी लाइबिलिटी ज्यादा से कम होगी तो फायदे वाली बात है। तो आपका 50 से वो कम करे, सपोज एग्जांपल आपने 40 लाख रुपए से एसेट कम करे, 10 लाख रुपए का फायदा होगा। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आपका क्रेडिट बैलेंस 10 लाख का सपोज आता है, ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है? रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट है कि नहीं? ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं, ये कौन से नेचर का प्रॉफिट है? ये कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। तो द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और यू कैन कॉल इट रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन, वी विल ट्रांसफर टू विच अकाउंट? विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, क्योंकि कैपिटल नेचर का ये प्रॉफिट है। तो वेरी सिंपल, तो आपको इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना रहेगा। और ख्याल रखना क्वेश्चन की अप्रोच कैसी होना, बड़ी सिंपल। आपके सामने क्वेश्चन रखा, बैलेंस शीट डीवी 10-12 एडजस्ट, कुछ नहीं 10-12 एडजस्ट, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ना और आप दिमाग लगाते जाना, लाइबिलिटी कम हो रही, एसेट कम हो रही, डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल रिडक्शन में देते जाना। सिंपल, आपने 10-12 एंट्री पास करी, ठीक है। आखिरी में देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस कितना, जो बैलेंस है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, जिसकी एंट्री पास होगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, क्रेडिट बैलेंस है तो आप कैपिटल रिडक्शन में डेबिट करके ट्रांसफर करो कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। एक और चीज ख्याल रखना, अब आपका अगर क्वेश्चन साइलेंट भी रहा तो ये तीन चीज को आपको जरूर राइट ऑफ करा, अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो भी करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है, जो लॉस आया वो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और डिस्काउंट एंड इश्योर डिबेंचर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको इन आइटम्स को क्या करना है, राइट ऑफ करना रहेगा। इवन द क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको क्या करना रहेगा, इवन द आपका क्वेश्चन साइलेंट है तो भी आपको इसको राइट ऑफ करना रहेगा। इस चीज को आपने ध्यान से समझेंगे, ठीक है। अब क्योंकि पर्पज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को था कि लॉसेस जो आपने एक्सपेंसेस राइट ऑफ नहीं करे उनको हटाओ वहां से, तो क्वेश्चन साइलेंट है तो भी इसको अपने को राइट ऑफ करना रहेगा। अब क्वेश्चन है पूछता क्या आपको, एंट्री फॉर्म करने वाला बहुत ही ईजी, आपने 10-12 आइटम पढ़े उसको इंटरप्रेट करके जर्नल एंट्री पास करें। अब आपको बाद में बोलता है कि बैलेंस शीट भी बना एंट्रीज के बाद। अब होता है क्या, इसको समझना, आपको क्वेश्चन में एक एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट दीवी, दैट इज बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के पहले आपको वहां पे क्या दिया उसने, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट क्वेश्चन में देता है। आपने जर्नल एंट्री पास कर दे, ये बैलेंस शीट है बिफोर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, आपने जर्नल एंट्री पास करे, आपने क्या करे बेटा, जर्नल एंट्री पास करे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, जर्नल एंट्री पास करे। अब इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की आपने जर्नल एंट्री पास करे और उसके बाद आपने क्या बना लिया बेटा, न्यू बैलेंस शीट बना, न्यू बैलेंस शीट दैट इज आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन, तो रिकंस्ट्रक्शन के बाद की एंट्री आपने पास कर दी, आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन आपने आपको सॉरी एंट्री करो बैलेंस शीट, आपने आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन आपने बैलेंस शीट पूछा। तो ये आपको क्वेश्चन में दो चीज बोलता है, पहली चीज आपको बोलता है कि एंट्री पास करो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बाद की बैलेंस शीट बनाओ, ये आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन जो ये बैलेंस शीट बनाओ। तो एक क्वेश्चन में एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट आपको दे रखेगा, कुछ आइटम देगा, उन आइटम को रीड करके अपने को इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की जनरल एंट्री वो पूछेगा और उसके बाद की बैलेंस शीट। तो आप जो न्यू बैलेंस शीट बनाते हो ना, बेसिकली कैसे बनाते हैं, अभी आप बहुत सिंपल सी चीज, आपको पता है कि एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के जो आइटम, एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट के जो आपके आइटम दिए वो और जो आपने जनरल एंट्री पास कर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, उन दोनों को इफेक्ट में ले, उन दोनों को कंसिडर करके जो वैल्यू आती है आपको न्यू बैलेंस शीट में लिखना रहेगा। आप सिंपल से बेसिक अकाउंटिंग पे चले जाओ कि लाइब्रेरी जो एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट में लाइब्रेरी साइड में जो आपको आइटम दी वो क्रेडिट बैलेंसेस है, क्रेडिट बैलेंस है, तो यू नो दैट लाइबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते जब भी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट करना, डिक्रीज हो तो डेबिट करना। अगर आपने इस जनरल एंट्री में वो लाइबिलिटी आइटम को क्रेडिट करे तो ये वाली फिगर और ये जनरल एंट्री में आपने क्रेडिट कर दो, ऐड कर देना, ऐड कर देना, जो भी फिगर आएंगे उसको न्यू बैलेंस शीट पर लिखो। अगर आपने उसको डेबिट करो लाइबिलिटी को, अगर आपने डेबिट करो तो आपने लेस करना, जो भी वैल्यू आएंगे आपको न्यू बैलेंस शीट में लिख देना। सिंपल, एसेट जो उसके डेबिट बैलेंस होते तो आपने जनरल एंट्री में अगर डेबिट करे तो डेबिट डेबिट ऐड ऐड करके न्यू बैलेंस शीट में लिख देना। अगर आपने क्रेडिट करते डेबिट बैलेंस होते डेबिट क्रेडिट माइनस जो भी वैल्यू है उसको न्यू बैलेंस शीट में लिख देना। इतना सिंपल है, इस सबसे आसान चैप्टर आप लोग का एडवांस अकाउंटिंग का है, ग्रुप टू का आपका, ओके। सो आरटीपी का क्वेश्चन दिया, इसमें कॉन्सेप्ट है शेयर सरेंडर करके, वो आपका आरटीपी के क्वेश्चन में अच्छा हुआ उसने पूछ लिया, तो वो शेयर सरेंडर का कॉन्सेप्ट मैं आपको वहीं पे समझा देता हूं, ठीक है। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनते जाइए। तो आपका आरटीपी नवंबर 23 अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैलेंस शीट ऑफ रूबी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2023। अब आपको बैलेंस शीट दे रखा उसने, ऑथराइज एंड इश्यूज इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 इज फुल्ली पेड, 40,000 7% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 100 इज फुल्ली पेड 40 लाख, जनरल रिजर्व 12 लाख, लोन फ्रॉम डायरेक्टर 8 लाख 80, ट्रेड पेबल 49 लाख 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 6 लाख 40,000, बैंक लोन 6 लाख, पेटेंट 8 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 60 लाख,
बिल्डिंग 11 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 47 लाख, देन इन्वेंट्री 32 लाख, 60,000 कैश 2 लाख, 40,000 बैंक बैलेंस 4 लाख, 60,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 16 लाख, 80,000। अब आपसे क्या कह रहा है यहां पे, आपको से बैलेंसेस दे दिए, बड़ा सिंपल है। अब द अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट टू रुपीज 5,60,000, इसके ऊपर मैं डिस्कस करूंगा कि अरियर ऑफ डिविडेंड क्या है। पिछले आपने कुछ सालों से जो आउटस्टैंडिंग था, तो आपका यहाँ पे द कंपनी मतलब 5,60,000 रुपए आपका आउटस्टैंडिंग अरियर्स ऑफ डिविडेंड नोट में लिखा हुआ। अब आगे कहते हैं कंपनी हैज सफर्ड लॉसेस इन लास्ट 3 ईयर्स ड्यू टू बैड डेट कंडीशन एंड होप फॉर बेटर पोजिशन इन द फ्यूचर। ठीक है, तो बड़े नुकसान उसको हो रहे लेकिन उम्मीद करता है कि फ्यूचर में सब अच्छा हो जाएगा। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अग्रीड अपॉन एंड ड्यूली अप्रूव बाय ऑल कंसर्न। अब क्या करता हूं यहाँ पे आपको, ये मैंने अभी जैसे बताया कि बैलेंस शीट दी है, बैलेंस शीट क्वेश्चन में ना देते उसने बैलेंसेस दे दिया हमारे आइटम्स के। अब आपको यहाँ पे बढ़िया से उसने 11-12 आइटम कितने हैं यहाँ पे 13 आइटम, तो 13 उसने इन्फॉर्मेशन 13 आइटम दिए। एक एक आइटम को पढ़ना, मैं यहीं पे उसकी जनरल एंट्री आपके सामने साथ साथ में पास करते जाता हूं। ठीक है, ये आपका आरटीपी का क्वेश्चन है November 23 एडवांस अकाउंटिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक एक आइटम रीड करते जाता और अपने को उसकी जनरल एंट्री पास करना रहेगा, जनरल एंट्री उसकी पास करना रहेगा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, इक्विटी शेयर्स, अब आपने वही लायबिलिटी और साइड और एसेट रखता, फंडा दिमाग में रखना। अब वो कहते हैं कि इक्विटी शेयर्स टू बी कन्वर्टेड इनटू 6 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10। अब मैं यहां पर अगर अभी देखता हूं तो मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल है कितने के, अभी है 60,000 शेयर 100 रुपए का, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करो तो 60 लाख, 60 लाख आता। लेकिन वो कहता है कि उसको कन्वर्ट कर दो आप 6 लाख शेयर, 6 लाख शेयर 10 रुपए का, तो बात एक ही है, पहले भाई 100 रुपए का एक शेयर था, अब 10 रुपए के 10, पहले 60,000 शेयर थे, अब 6 लाख शेयर हो गए, तो टोटल अमाउंट विल बी 60 लाख ऑन। और इसको एंट्री कैसे पास करना, ठीक है, इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे, तो एंट्री क्या पास करना है, डिक्रीज इन कैपिटल क्या करोगे, डेबिट। अब ना इंस्टीट्यूट ना ये इसने आंसर दिया, इंस्टीट्यूट को हिसाब किताब ही नहीं रहता, मतलब इंस्टीट्यूट ने क्या करते वो एंट्री में वही पास करूंगा, कभी ऊपर कभी नीचे, सिक्वेंस में नहीं करी हुई एंट्री। तो मैं आपको सिस्टमेटिक बता दो, एक एक पढ़ो और उसकी एंट्री पास करते जाओ। तो इसकी क्या एंट्री पास होंगी आपकी, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो आप एंट्री पास करोगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये कितने रुपए वाला शेयर है आपका, 100 रुपए वाला, ठीक है, 60,000 शेयर थे, अरे नहीं दिख रहा है, ओके 60,000 शेयर है 100 रुपए का एक, एक सेकेंड, 60,000 शेयर है 100 रुपए का एक था, तो 60 लाख ही होता है। सो इक्विटी दिख रहा है स्क्रीन पे, अरे जस्ट वन, अब दिख रहा है, यस इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने वाला है, 100 रुपए वाला है, तो ये आ गया आपके 60 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपने वो 60,000 शेयर को कैंसिल करे जो 100 रुपए वाला है, उसके बदले उसको कन्वर्ट कर दे रहे 10 रुपए के शेयर में, लेकिन 6 लाख शेयर हो गए, तो ये 10 रुपए का शेयर 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 10, अभी भी कितना आएगा 60 लाख। तो एंट्री पास करें इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन सर ये कैसे, अरे तो आपने 100 रुपए वाला कैंसिल करे, 10 रुपए वाला दिए, लेकिन कन्वर्ट करे, पहले 60,000 शेयर 100 रुपए के थे, अब 6 लाख शेयर 10 रुपए के, तो टोटल अभी 60 लाख ही होता। तो इंस्टीट्यूट ने हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 60 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 60 लाख उन्होंने एंट्री पास करे। ठीक है, अब क्या करें उन लोगों ने, उसके बाद यहां पे मैं आता हूं सेकंड एंट्री पे। सेकंड पे वो कहता है कि आप, वो कहता है इक्विटी शेयर होल्डर टू सरेंडर टू द कंपनी 80% ऑफ देयर होल्डिंग। वैसे ना एक शेयर सरेंडर अकाउंट आप बना सकते हो। अब क्या होता है, आगे भी उसने बोला कि शेयर जो सरेंडर करो ट्रेड पेबल को उसने दिया, वहां पे आगे भी आपको ऐसा लिखा हुआ, मैं रीड करूंगा डोंट वरी, लेकिन क्या होगा फिक्र मत कर रहा, एक अपन टेम्पररी एक अकाउंट बना ले रहे, जो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर ने 80% अपने शेयर सरेंडर करे, तो टेम्पररी का अकाउंट बना ले अपन, उसका नाम करते शेयर सरेंडर अकाउंट। फिक्र मत करना सर, आपने जो कैपिटल रिडक्शन बोले, अरे फिक्र मत करो, कैपिटल रिडक्शन में ही शेयर सरेंडर का बैलेंस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ही जाएगा, तो चिंता नहीं करना उसकी। अब देखो सेकंड एंट्री बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर टू सरेंडर टू द कंपनी 80% ऑफ देयर होल्डिंग, वो 80% अपनी होल्डिंग को क्या कर दे, सरेंडर करे, तो पहले तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। तो मैंने एंट्री पास किया यहां पे सेकेंड की इक्विटी शेयर कैपिटल जो 10 रुपए वाला, 80% कितना होता है आपका, 80% 60 लाख का 80% 48 लाख होगा, यस, तो 48 लाख आपने यहाँ पे ये डेबिट करे, 48 लाख ये आपने डेबिट करे। अब आप बोलेंगे सर अरे बाबा इतने से आपकी लाइबिलिटी कम होगी, फायदा हो गया आपका कैपिटल, लाइबिलिटी साइड कैपिटल कम हो गया, फायदा हो गया, ट्रांसफर कर दो इसको शेयर सरेंडर। आप गलत नहीं बोल रहे, मैं शेयर सरेंडर में ट्रांसफर करूंगा, लेकिन टेम्पररी में एक अकाउंट में लेके जा रहा हूं, उस अकाउंट का नाम मैंने रखा कैपिटल, सॉरी मैं टेम्पररी अकाउंट में लेके जा रहा हूं, अकाउंट का नाम रखा मैंने शेयर सरेंडर अकाउंट, शेयर सरेंडर अकाउंट में इसको मैं लेके जा रहा हूं 48 लाख को,
तो मेरे पास शेयर सरेंडर में भी 48 लाख रखे हुए, फिकर मत करो। आप बोलेंगे सर आपने तो बोले थे कैपिटल रिडक्शन में लेके जाना फायदे नुकसान को, तो फायदा लेके जाओ ना उसको, लेके जाऊंगा ना कैपिटल रिडक्शन में, मना नहीं कर रहा हूं। अभी फिलहाल शेयर सरेंडर में लेके द बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिडक्शन ऑनली, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में इसको लेके जाएंगे। अब तीसरे पे अपन आते, अब तीसरा आपसे कहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर अग्री टू फॉरगो देयर राइट ऑन अरियर्स ऑफ डिविडेंड इन कंसीडरेशन ऑफ विच 7% प्रेफरेंस शेयर आर टू बी कन्वर्टेड इनटू 8% प्रेफरेंस। अगर आप देखोगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यहां पे 7% प्रेफरेंस शेयर उसका नाम है, उस पर डिविडेंड मतलब 7% देते हैं 40 लाख रुपए, तो वो कहता है उसके डिविडेंड भी कुछ आउटस्टैंडिंग थे 5,60,000 रुपए के। तो थर्ड पॉइंट में कहते हैं कि 7% प्रेफरेंस शेयर जो है उसको लेकिन कन्वर्ट कर दो 8% प्रेफरेंस शेयर, तो मैं कर देता हूं डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट। तो 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 40 लाख डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा 40 लाख रुपए। बात हो गई खत्म, कैपिटल कम की कैपिटल बढ़ा दी, 7% वाले को कम कर दिया, 8% वाले को बढ़ा दी, इसमें क्या बहुत ईजी। लेकिन बच्चे इसको समझ नहीं पाते, वो कहते हैं कि सर लेकिन आपने अरियर्स और डिविडेंड भी तो उन्होंने माफ कर दी ना, माफ कर दे रहे प्रेफरेंस शेयर, तो वो माफ कर दे तो अपनी लाइबिलिटी कम हो, इसकी एंट्री पास करो, उसकी कोई एंट्री पास नहीं। बच्चे उसको गलत इंटरप्रेट करते कि जो आपका अरियर्स ऑफ डिविडेंड था वो एज ए लाइबिलिटी, एज ए लाइबिलिटी आपने रिकॉर्ड ही नहीं कर दी, उसने आपको नोट में लिखा हुआ है, तो उसने इसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी ट्रीट किया। जब इसका मतलब लाइबिलिटी उसको एज ए बुक्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी बुक्स अकाउंट में लिखी नहीं जाती, उसको नोट्स अकाउंट में लिखा। तो जब आपने कोई चीज को लाइबिलिटी माने ही नहीं हो, जब आपने कोई चीज को लाइबिलिटी मानी ही नहीं हो तो उसका कैंसलेशन का सवाल ही नहीं होता। आपने कंटिंजेंट लाइबिलिटी में लिखे थे, अब बाद में उसको कंटिंजेंट लाइबिलिटी में नहीं लिखेंगे और क्या होगा। लेकिन जब कोई चीज को आपने लाइबिलिटी मानी ही नहीं, जब आपने कोई चीज को लाइबिलिटी मानी नहीं तो कैंसलेशन का सवाल ही नहीं उठता। तो अरियर्स और डिविडेंड की कोई, अगर अरियर्स और डिविडेंड डिविडेंड पेबल करके यहां लिखा रहता तो मैं जरूर लाइबिलिटी को कैंसिल करता, लेकिन ऐसी यहां पे कोई लाइबिलिटी है ही नहीं। तो आप इसकी एंट्री पास करें 7 की, ये थर्ड की सॉरी 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 लाख रुपए, ठीक है मैं इसे रफली लिख रहा हूं, वहां पे प्रॉपर लिखा हुआ है आपके आरटीबी में, टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है 40 लाख रुपए। तो यहां पे आप देखोगे, एक सेकेंड, ओके, तो यहां पे आप देखोगे कि 40 लाख रुपए 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू 8% प्रेफरेंस कैपिटल एंट्री पास करे, ठीक है। अब आगे अपने से कहता है फोर्थ में जाता हूं, ट्रेड पेबल अग्री टू रिड्यूस देयर क्लेम बाय 1/4 इन कंसिडरेशन ऑफ देयर गेटिंग शेयर ऑफ ₹10 लाख आउट ऑफ द सरेंडर। अब देखो यहां पे जब शेयर सरेंडर करे थे तो 48 लाख अपन ने ट्रांसफर करे थे शेयर सरेंडर अकाउंट में, ठीक है। अब क्या हो रहा उस, अब मैं आता हूं उसमें, वो कहता है लेकिन कि जो ट्रेड पेबल है 1/4 शेयर अपना माफ कर दे रहे, ठीक है। अब ट्रेड पेबल है कितना, ट्रेड पेबल आप क्वेश्चन में देखते तो वहां पे आपको ट्रेड पेबल दिखता है 49,20,000। तो 49,20,000 का 49,20,000 का 1/4 मतलब 25%, 1/4 आता है 12,30,000। तो 12,30,000 से वो कहता है कि ट्रेड पेबल अपने आप को कम कर रहा है, लेकिन उसके बदले में शेयर मांग रहा है। शेयर क्या मांग रहा है मैं इस पर बात करता हूं। तो मैंने आपके लिए सिंपल करने के लिए आप एंट्री पास कर दिया, ट्रेड पेबल 12,30,000 कैसा है, वो जो ट्रेड पेबल में क्वेश्चन में जो इसका 1/4 लें, दैट इज 12,30,000। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ट्रेड पेबल उतने से कम हो रहा है, तो ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 12,30,000। अब वो कहता है यहाँ पे कि सर लेकिन शेयर सरेंडर अकाउंट जो, वो कहता है इसके बदले में 10 लाख रुपए जो आपने शेयर सरेंडर करे थे उसमें से 10 लाख रुपए की शेयर इसको दे दो। तो आपने शेयर सरेंडर अकाउंट को यूटिलाइज करे तो आपने इसको पहले क्रेडिट करे थे, अब यहां पे आपने क्या करे, शेयर सरेंडर अकाउंट को आपने 10 लाख रुपए से डेबिट कर दिए। तो आपने शेयर सरेंडर अकाउंट को पहले 48 लाख से क्रेडिट करे थे, 10 लाख उसमें से दे दो, ठीक है। अब बैलेंस क्या उस पर हम बात करेंगे। तो आपने एंट्री पास करे शेयर सरेंडर जो उसको यूटिलाइज कर दो, उसको कम करे, शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। अब ये चीज समझ, अब यहां पर आप फिक्र मत करना, शेयर सरेंडर अकाउंट का बैलेंस आपका कैपिटल रिडक्शन में ही जाएगा, डोंट हैव टू वरी, ठीक है। तो अगर इसका आप नेट इफेक्ट लोगे ना, आपने ट्रेड पेबल अकाउंट 12,30,000 तो कैपिटल रिडक्शन आपका 12,30,000 आपने कैपिटल रिडक्शन से क्रेडिट करे और यहाँ पे शेयर सरेंडर को 10 लाख से डेबिट करे, तो इसका नेट इफेक्ट 2,30,000 आता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ शेयर सरेंडर विल गो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट ओनली। अगर आप देखो यहाँ पे 12,30,000 से क्रेडिट करे कैपिटल रिडक्शन को, यहाँ पे 10 लाख से शेयर सरेंडर को डेबिट करे, तो नेट इफेक्ट 2,30,000 आया, क्योंकि 12,30,000 में 10 लाख इक्विटी शेयर दे दी और 2,30,000 आपने वो आपका फायदा हो गया, लाइबिलिटी आपकी 12,30,000 से कम हुई और आपने उसके बदले में शेयर सिर्फ 10 लाख के दिए, तो 2,30,000 का फायदा हो गया।
तो ये बैलेंस बराबर इसका 2,30,000 है, डोंट वरी दैट द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन शेयर सरेंडर विल गो टू कैपिटल रिडक्शन, ठीक है, तो बराबर उतना ही जाएगा एंड द बैलेंस ऑफ कैपिटल रिडक्शन विल गो टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, सिंपल। अब इंस्टीट्यूट ने क्या करी है एंट्री को, इंस्टीट्यूट का अपना स्टाइल है ना, तो उसने पहले यहां पे ऐसे गलती उसको 3-4 एंट्री के बाद यहां पे लिखी ट्रेड पेबल अकाउंट 12,30,000, तो ये कंबाइन एंट्री दूसरी एंट्री से कंबाइन कर दी, तो मगर ये यहां पे ट्रेड पेबल अकाउंट डेबिट, तो यहां पर उसने ये जो टोटल अमाउंट उसे 12,30,000 से उसने कैपिटल रिडक्शन क्रिएट करी जो मैंने एंट्री पास करा, और फिर ये शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10,00,000 एंट्री, तो आपने साथ में ही पे एग्जाम में आया ना तो ऐसा 1, 2, 3 ऐसी नंबरिंग देना और जो जो नंबर की एंट्री वो एंट्रीज पास करते जाना, ओके। फिफ्थ कहता है आपसे डायरेक्टर अग्री टू फॉरगिव द अमाउंट ड्यू टू वन अकाउंट ऑफ लोन, तो जो लोन था डायरेक्टर ने बोला माफ करने के लिए रेडी, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स कितना 8,80,000, तो लाइबिलिटी डिक्रीजिंग लाइबिलिटी डेबिट, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो फिफ्थ की जो एंट्री होगी मैं डायरेक्ट वहीं टिक करते आता हूं, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इधर तो आगे लिखी उन्होंने आगे पीछे लिखा हुआ, चलो ठीक है मैं ये लिखता हूं, तो यहां पे लोन फ्रॉम डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट, तो लोन फ्रॉम डायरेक्टर अकाउंट डेबिट टू कितने की हो कितने करो 8,80,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 8,80,000, तो यहां पर आपने लोन फ्रॉम डायरेक्टर को डेबिट करे और कैपिटल रिडक्शन को वहां पे क्रेडिट करी, टोटल अमाउंट में 8,80,000 भी। उसके बाद आते सिक्स पे बोलते सरेंडर शेयर नॉट अदरवाइज यूटिलाइज शैल बी कैंसल, अब जो आपके यहां पे शेयर सरेंडर में जो बैलेंस उसको यूटिलाइज नहीं करते बोलता कैंसिल कर दो, तो कैंसिल करो मतलब उसको कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर करो, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट 38,00,000 टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 38,00,000, तो यहाँ पे देखो बैलेंस 38,00,000 आते हैं, 38,00,000 से उसने कहीं एंट्री पास किया होगा जो आपका उसमें बैलेंस आए, एक सेकेंड ये रहा यहाँ पे किया आगे पीछे करी हुई सब एंट्री, तो शेयर सरेंडर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 38,00,000, ओके। उसके बाद सेवेंथ में कहता है एसेट टू बी रिड्यूस एज अंडर, अब प्लांट को कहता है कि देखो थोड़ा बेसिक इंग्लिश समझना, प्लांट टू इतने पे लेकर आओ, रिड्यूस टू नील मतलब उसको जीरो प्लांट करो, सॉरी पेटेंट टू, टू मतलब उतने पे और बाय मतलब उतने से, तो दोनों में फर्क, उतने पे लेके आओ नील पे लेके आओ, नील पे मतलब जीरो पे लेके आओ, तो पेटेंट अभी कितने का अपने पास, पेटेंट है अपने पास 8,00,000 रुपए का, तो डिक्रीज इन एसेट, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट, अब कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट उसने 8,00,000 से क्रिएट किया, वो कंबाइन एंट्री पास कर, मगर आपने उसको सिंपल करना, ठीक है। अब यहां पे सेकंड कहते हैं प्लांट एंड मशीनरी को 8,00,000 से कम करो, बाय मतलब उतने से डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो प्लांट एंड मशीनरी को 8,00,000 से उसने क्रेडिट करे, कहां किया भाई प्लांट एंड मशीनरी को, क्यों ना प्लांट एंड एसेट टू बी रिड्यूस बाय रुपीज 8,00,000, तो प्लांट एंड मशीनरी कहां, अच्छा पेटेंट ऊपर है, अरे एक सेकेंड यहां पे कितना था इसका पेटेंट कितने का था, ये पेटेंट 8,00,000 का था वो, ठीक है प्लांट एंड मशीनरी भी 8,00,000 से कम करना है ना, अच्छा ये यहाँ पे लगा, उसने और कुछ भी बोला प्लांट एंड मशीनरी पे एडजस्टमेंट होगा तो आ गया, तो ये 8,00,000 उतने से कम के डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो उसने यहाँ पे एंट्री पास किया। उसके बाद इन्वेंट्री को 6,80,000 रुपए से कम करो, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो 6,80,000 डिक्रीज इन एसेट क्रेडिट, तो डेबिट किया कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो यहाँ पर एंट्री पास से कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पेटेंट 8,00,000 टू प्लांट एंड मशीनरी भी 8,00,000 टू इन्वेंट्री 6,80,000 और टोटल 8,00,000, 16,00,000 और 6,22,80,000 उतने से हुआ, ठीक है। अब आगे कहते हैं ट्रेड रिसीवेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 34,00,000 आर कंसीडर गुड, अब इंटरप्रेट करना चाहिए ट्रेड रिसीवेबल 38,00,000 के गुड है, 34,00,000 के गुड है मतलब अच्छे हो बचे हुए बैड डेट, सो 47 - 34 13,00,000 रुपए से उसकी वैल्यू अपने को कम करना है, तो यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल 13,00,000, तो यहाँ पे देखो एंट्री में 13,00,000 की, देखो 13,00,000 रुपए, ओके। उसके बाद नाइन्थ वाला के रीवैल्यूड फिगर फॉर बिल्डिंग इज एक्सेप्टेड एट रुपीज 14,00,000, 14,00,000 पे वैल्यू करना है, तो बिल्डिंग है कितनी 11,00,000, 14 पे करो इतने से उसकी वैल्यू को बढ़ा रहे 3,00,000 से, तो डिक्रीज इन इंक्रीज इन एसेट डेबिट, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 3,00,000 टू कैपिटल रिडक्शन 3,00,000, तो देखो बिल्डिंग को डेबिट किया हुआ 3,00,000 से कहिए, उसने कंबाइन कर दिया वहां पर, ठीक है 3,00,000। उसके बाद बैंक लोन इज पेड, तो बैंक लोन कितना था यहाँ पे, बैंक लोन है 6,00,000 रुपए पेड बोल रहे हैं, तो ठीक है पे कर दो, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट पे किया उसने, तो बैंक लोन अकाउंट डेबिट ये बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है 6,00,000 से इसकी एंट्री पास से लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना 6,00,000। एनी सरप्लस आफ्टर मीटिंग द लॉसेस शुड बी यूटिलाइज इन राइटिंग ऑफ द राइटिंग डाउन द प्लांट फर्दर,
प्लांट को तो वैसे आपने ऊपर राइट ऑफ करे थे, कितने से राइट ऑफ कर दे 8 लाख से, अगर कैपिटल रिडक्शन में और बैलेंस आ जाता है और कुछ बच जाता है बैलेंस तो और राइट ऑफ कर दो कहते हैं, ठीक है उसको। अब वो है ना कि ये, मगर इसके पहले अपने को 11 से पहले अपने को ये करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस है 1,20,000 के, तो वो कैपिटल रिडक्शन में एडजस्ट होता है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये आप पे 1,20,000 हो गया। अब उसके बाद जो 13 पॉइंट है वो कुछ और पॉइंट है, मगर मतलब कैपिटल रिडक्शन में उसका इफेक्ट नहीं। अब जो भी कैपिटल रिडक्शन का आपने पूरे एंट्रीज में डेबिट क्रेडिट कर उसका जो भी बैलेंस आता है, तो बैलेंस उसका आ रहा है यहाँ पे, जैसे यहां से अपन देख सकते हैं 8,30,000 आ रहा है, तो वो 8,30,000 एक मिनट, ये आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, एक सेकंड जस्ट वन मिनट, एक्सपेंस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन 1,20,000। अच्छा अब इसको समझना बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पे कि अगर क्वेश्चन साइलेंट रहा तो भी कुछ चीज अपने को राइट ऑफ कर रहा है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है कितना, ये 16,80,000, तो ये 16,80,000 को राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री क्या पास होंगी इसकी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू पीएनएल, तो 16,80,000। और एक और चीज आपने इसकी एंट्री क्या पास करी, उन्होंने इंस्टीट्यूट ने उसको वो कर दी, मतलब डबल दो एंट्री, मैंने सिंगल एंट्री बोला, देखो इंस्टीट्यूट ने क्या करी, मैंने बोला कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,20,000, सॉरी बहुत गंदी राइटिंग में लिख रहा हूं, ठीक है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, एक एंट्री मैंने बोला, इंस्टीट्यूट बोली एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,20,000 टू बैंक 1,20,000, फिर उसके बाद कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 1,20,000 टू रिकंस्ट्रक्शन 1,20,000, तो यहाँ पे एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन का नहीं, सॉरी क्या एक्सपेंसिस ऑन रिकंस्ट्रक्शन, नॉट एक्सटर्नल एक्सपेंस ऑन रिकंस्ट्रक्शन, आपका था 1,20,000 और एक्सपेंसिस ऑन रिकंस्ट्रक्शन का आपने यहाँ करे रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेंस को क्रेडिट करे, तो अल्टीमेटली आपने ये एंट्री पास करे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, वही एंट्री आपकी पास हुई, ठीक है इतनी गंदी राइटिंग में लिखता नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो आपने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू आपने एंट्रीज की पास करे बैंक, ठीक है 1,20,000 आपने कैपिटल रिडक्शन को डेबिट करे, ठीक है तो नेट इफेक्ट वही हुआ उसका, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है आपका, यहां पर ये 8,80,000 आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट अगर आप बनाओगे तो उसमें 8,30,000 रुपए बैलेंस आता है, दैट विल यूटिलाइज, अगर आप कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बनाओगे तो उसका यहां बैलेंस आएगा 8,30,000, सो ये अपने को प्लांट के लिए फर्दर यूज कर लो बोलता है, तो प्लांट अकाउंट डेबिट सॉरी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट, तो ये आपने उसको और फिर से राइट ऑफ कर लिया, और प्लांट पहले 8,00,000 से कर दो और कर ले अपने 8,30,000 रुपए से, सिंपल। अब आगे 13 में कह रहा है कि उन्हें 80,000 रुपए की इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करे, अब ये इशू करे तो नॉर्मल एंट्री पास होंगे इसकी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये क्या कह रहा है फर्दर 80,000 इक्विटी शेयर वेर इशू टू द एग्जिस्टिंग मेंबर फॉर इंक्रीजिंग द वर्किंग कैपिटल, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड एंड पेड ऑफ, ठीक है तो यहां पर उसने बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 8,00,000 शेयर 10 रुपए का एक अपन उसको कर दिए थे, पहले 100 का था बाद में 10 रुपए उसकी वैल्यू करे, सो 8,00,000 नहीं कितना 80,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तो वो कितना आएगा आपका, एक सेकेंड वो कितना आएगा आपका, वो आ गया आपका 8,00,000, 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 ये आ गया आपका 8,00,000। उसके बाद यहाँ पे फिर शेयर एप्लीकेशन का बैलेंस आपने शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 8,00,000, इसने वही रखा कि वो जो आपको अरियर्स ऑफ डिविडेंड था वो आपने वो वे ऑफ कर दिया, तो हमने अरियर्स ऑफ डिविडेंड को लायबिलिटी माने नहीं थे, कंटिंजेंट लायबिलिटी माने, तो अब उसका फर्दर कोई डिस्क्लोजर की जरूरत नहीं, नो फर्दर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड, सिंपल। अब बैलेंस शीट पूछा तो बैलेंस शीट सिंपल है, आपको जो बैलेंस शीट क्वेश्चन में दी हुई जो बैलेंसेस दिए हुए बस यहां से फिगर लेना है, इस ये लायबिलिटी को अगर आपने लायबिलिटी सेट की जिसकी क्रेडिट बैलेंस है, अगर आपने एंट्रीज जो पास करो उसमें क्रेडिट करे तो ऐड करेंगे और डेबिट करे तो माइनस करेंगे, जो एसेट साइड के आइटम उसको अगर आपने डेबिट कर दो ऐड करेंगे क्रेडिट कर दो माइनस करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का कोई बैलेंस नहीं आएगा, आईएमडी से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं क्योंकि कैपिटल का रिडक्शन का जो बैलेंस था उसने कहा था पेटेंट को फर्दर आप राइट ऑफ करो, तो अपने पेटेंट करो प्लांट को 8,30,000 रुपए, तो अपने वहां पर उसको यूटिलाइज कर लिए, 8,30,000 का बैलेंस आया था आपका, आपने उसको वहां पर यूटिलाइज कर लिए बैलेंस को, तो ऐसा जब कोई कैपिटल रिडक्शन बैलेंस नहीं, अगर कैपिटल रिडक्शन बैलेंस रहता तो अपन वो यूटिलाइज करते थे कैपिटल रो ट्रांसफर करते थे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, डन, इतना सिंपल है ये, अगर चैप्टर आ गया एग्जामिनेशन में तो बोनस मार्क्स है, तो यहां पे हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का रिवीजन खत्म होता है, टेक केयर बाय बाय ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वैसे हैं डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन, फिर आपका बैंकिंग एनबीएफसी, उसके भी रिवीजन वीडियोस आएंगे, सो सेशन हम लोग यहाँ पे खत्म होता है, टेक केयर बाय बाय।